एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। रायपुर की राजधानी में आज से शॉपिंग मॉल खुलने जा रहे हैं, क्लब हाउस, होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। होटल और रेस्टोरेंट में अभी तक केवल पार्सल की सुविधा भी आपको बताने खोले जाएंगे शॉपिंग मॉल्स, लेकिन उनमें स्थित मल्टीप्लेक्स, गेमिंग जोन, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। 98 दिन बाद क्लब हाउस भी खुलेंगे, लेकिन जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट जोन बंद रहेंगे। मॉल के भी गेम जोन, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ख्याल रखना होगा। और लाइव हमारे साथ सुप्रिया पांडे मॉल से जुड़ गई हैं। सुप्रिया, 98 दिनों बाद मॉल खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, होटल खुल रहे हैं, किस तरह सतर्कता बढ़ती जाएगी, प्रशासन कितना मुस्तैद इसको लेकर? जी बिल्कुल, आज से जो है राजधानी के तमाम मॉल्स को खोला गया है। आज हम मैग्नेटो मॉल में मौजूद हैं, आपको सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर जो गार्ड हैं वो लगे हुए हैं, उनके फेस पर जो है फेस शील्ड लगाए गए हैं, और साथ ही यहाँ पर टेम्परेचर चेक करने के लिए भी उनके हाथ में जो है थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो की जाएगी। साथ ही वहाँ पर जो है हैंड सैनिटाइजर भी रखा गया है, जिसे हाथ से छूने की जरूरत नहीं है, पैर दबाकर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुलने से पहले यहाँ पर सैनिटाइज भी जो है वो मॉल को किया जा रहा है, और साथ ही हर घंटे में जो भी लोग आएंगे जाएंगे तो इस तरीके से लगातार मॉल्स को जो है सैनिटाइज करने की जो व्यवस्था है वो की जाएगी। साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो भी लगातार जो है वो की जा रही है। हर जो भीड़ अगर यहाँ पर बनती है तो भीड़ को रोका जाएगा, अगर ज्यादा भीड़ यहाँ पर बनती है तो उसको भी रोकने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। हमारे साथ मॉल के जो मॉल में भी कुछ लोग मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, क्या एहतियात बरती जाएगी। मैम, हम यहाँ पे कस्टमर्स आएंगे उनको सैनिटाइज और फेस मास्क इम्पोर्टेंट है, साथ में उनका थर्मल स्कैनर किया जाएगा। जगह जगह पे हम सैनिटाइज करा रहे हैं, और हमने सोशल डिस्टेंस के लिए कॉलम्स बनाए हैं। जो भी कस्टमर्स आते हैं तो रश आता है, तो हम उन्हें जो कॉलम्स बनाए हुए हैं उसी हिसाब से सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, यही करते हुए हम अपना काम जारी रखेंगे। जैसे कि भीड़ होती है, पहले दिन अगर मॉल खुलता है लोगों की भीड़ होती है, उसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा? उसके लिए हम सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं, उनके पास सबके पास सारी फैसिलिटीज है, फेस मास्क है, हमने सबको दे रखा है, और हम सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए उनको सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सोशल डिस्टेंस बना के रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन कराएंगे। मैम, अगर हमारे यहाँ ज्यादा भीड़ होती है तो फिर हम एक नंबर गेट से ही कंट्रोल करेंगे। और क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर दी जाएगी, क्या मॉल को भी सैनिटाइज किया जाएगा बार बार जैसे कि लोग आते जाते हैं? यस मैम, ये तो हमारा चल ही रहा है, हर एक जगह पे बार बार तीन तीन चार चार लोग लगे, हर एक फ्लोर पे सारे फ्लोर को हम सैनिटाइज करा रहे हैं, हर एक बार हर एक चीज को, रेलिंग्स हैं, अपने गेट्स के डोर्स के हैंडल हैं, जो भी चीजें हैं जिसको टच किया जा रहा है बार बार, उनको हम बार बार सैनिटाइज करा रहे हैं। हर आधा घंटा एक घंटा पे सैनिटाइज प्रोसेस चल ही रहा है। यहाँ पर लिफ्ट की भी सुविधा है, लिफ्ट को किस तरह से मतलब मैनेज किया जाएगा? लिफ्ट में भी हमने कॉलम्स बनाए हुए, एक बार में चार ही लोग जाएंगे जिससे कि हमारे सोशल डिस्टेंस का पालन हो, चार से पांचवा आदमी इसमें अलाउ नहीं है लिफ्ट में। और लिफ्ट में हमने हर चीज की फैसिलिटीज दी है, हर आधे घंटे में हम लिफ्ट को अपने सैनिटाइज करा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। लिफ्ट जो है उसमें चार लोग ही प्रवेश किए जाएंगे, और चार लोगों के प्रवेश के लिए मार्किंग भी की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की गई है। यहाँ पर अगर लोगों की भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो भीड़ को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही सभी लोगों से ये अपील की जाएगी कि सभी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और साथ ही मास्क लगाकर ही मॉल के अंदर में प्रवेश करें। और साथ ही यहाँ पर जो गार्ड है वो भी यहाँ पर लगातार तैनात है। गार्ड रहेंगे किस समय तक लोग वहां पर जा सकते हैं और किस समय शुरू होगा टाइमिंग, जिस टाइम मॉल्स जा सके, रेस्टोरेंट जा सके, क्या टाइम लिमिट रहेगी? मॉल की टाइम लिमिट कितनी रहेगी? मॉल की टाइम लिमिट अभी हमारे यहाँ पे 11 से कुछ रखा हुआ है, उसका क्लियर होगा लेकिन 11 बजे चालू होगा। तो यहाँ पर मॉल को जो है 11 बजे से शुरू करने की जो कवायद है वो रखी गई है, और साथ ही 11 बजे से सभी मॉल जो है वो चालू हो जाएंगे, और जो बंद करने का टाइम है वो अभी निर्धारित नहीं किया गया है। तो बंद करने का टाइम भी निर्धारित किया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर जो है फैसला वो लिया जाएगा। हो सकता है कि मॉल को रात को 8-9 बजे ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि 9 बजे तक जो तमाम दुकानें हैं वो राज्य सरकार के अनुसार खोलने की अनुमति दी गई है। तो हो सकता है कि मॉल को भी जो है 9 बजे तक ही खोला जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुप्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।
और अब बात करेंगे भोपाल की।